तो LG ने इंडिया के अंदर अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं W30 के बारे में। तो आगे जब वीडियो के अंत तक देखते रहना, क्योंकि जितने आपके सवाल है फोन को लेकर सब क्लियर करने वाला हूं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि छोटी सी लाइक जरूर कर देना से बिना भूले, और यहाँ पर एक लाइक बनता भी है, क्योंकि कम समय के अंदर बिल्कुल इन डेप्थ सारी चीजें बता दूंगा। तो खैर, मुद्दे पर निकल कर आ जाते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं चीजों के बारे में ही। यहाँ पर बता दूं, आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुल HD+ नहीं, 6.26 इंचेस की। यहाँ पर आपको बात कर जाए पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलती है। यहाँ पर बात कर जाए चिन के थोड़ा यहाँ पर बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात कर जाए लुक्स की, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है 10,000 रुपये के हिसाब से। बाकी बैटरी 4000 mAh की देखने को मिलती है, 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग के साथ। यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलता है, यानी पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर बात कर लीजिए कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपको 60 MP का कैमरा देखने को मिलता है F2.2 अपर्चर के साथ। यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड देखने को मिल जाएगा, बोके मोड देखने को मिल जाएगा, फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। बात कर जाए रियर कैमरास की, तो ट्रिपल कैमरास देखने को मिलते हैं, जो इस फोन की हाईलाइट है। बाकी पर बात कर जाए पहले कैमरा की, तो 30 MP का देखने को मिलता है वाइड एंगल कैमरा, जिसमें आपको 100 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है। बाकी पर बात कर जाए दूसरे कैमरा की, तो 12 MP का देखने को मिलता है लो लाइट कैमरा, जो आपका ठीक ठाक काम कर रहा है, जैसे कि आपको प्रॉमिस करा गया है कंपनी के द्वारा। बात कर जाए तीसरे कैमरे की, तो 2 MP का देखने को मिलता है डेप्थ सेंसर, यानी जिससे आपका बोके बनेगा। बाकी पर बात कर जाए ब्लर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो ठीक उसी तरीके से जैसे आपके ऑनर के स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करते हैं। वैसे यहाँ पर बात कर जाए फीचर्स की, कि आपके दिमाग में यहाँ पर आ रहा होगा, तो बता दूं टाइमलेस यहाँ पर देखने को मिलता है, स्लो मोशन यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन आपको EIS देखने को नहीं मिलती है, 4K रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलती है, 1080p तक का मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन हमारी बेहतरीन बात यह है कि आपको जो वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी पर बात कर लिया GCam सपोर्ट करेगा, आपका कैमरा टू API देखने को मिलता है। बाकी पर बात कर लिया प्रोसेसर की, तो P22 देखने को मिलता है 12 nm टेक्नोलॉजी बेस्ड। यहाँ पर आपको बता दूं आपको वही 75,000 के आसपास एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है, तो समझ सकते हो कितना पावरफुल देखने को मिलता है, PUBG आपका लो पर चला देगा अच्छे से। साथ ही पर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो आपको स्टॉक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, लेकिन जेस्चर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे डबल टैप टू वेकअप। बाकी आपको स्क्रीन जेस्चर्स, फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। बाकी आपको गूगल लेंस भी है, स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। वाइडबैंड L3 सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, L1 नहीं, यानी आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग HD क्वालिटी पर नहीं चलेगी, पर खैर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन HD क्वालिटी की देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि डुअल 4G वोल्टी देखने को मिल जाता है, LED नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, वो भी कलरफुल, यहाँ पर बेहतरीन बात लगी है बहुत ज़्यादा। बाकी आपको FM रेडियो भी देखने को मिलता है। और साथ यहाँ पर बात कर लिया प्राइसिंग की, तो आपका एक ब्रांड देखने को मिलता है 3GB 32GB वाला, जो आपका 10,000 रुपये में देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पर आपको बता दूँ हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर कंक्लूजन की बात कर ली जाए, अगर आपको ट्रिपल कैमरास का एक्सपीरियंस लेना है, स्टॉक एंड्रॉइड पसंद आता है, यानी फीचर्स पसंद नहीं आते ज़्यादा फोन के अंदर, पर LG ब्रांड पर भरोसा है और वीक प्रोसेसर से भी काम चल जाएगा, तब आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। वैसे कमेंट्स में थॉट जरूर बताना आपको कैसा लगा है स्मार्टफोन। इसके लिए रिक्वेस्ट बस एक छोटी सी लाइक जरूर कर देना से बिना भूले, आपका लाइक का रिश्ड बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। इसके अलावा बाकी अपने चैनल पर जाकर देखो, लाइक कर देना, शामिल दबा दो, मिलता है।